गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डबल बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी, जो फिलहाल के टाइम पे काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है। तो सबसे पहले आपको एक लाइव ट्रेड सिनेरियो दिखा देता हूँ स्ट्रैटेजी की हेल्प से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम हमारे लाइव चार्ट पे कैसे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं और हमारी बाय सेल कॉन्फर्मेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने बाय कॉन्फर्मेशन के लिए सिग्नल लिया था और हमें प्रॉफिट भी हो चुका है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो एक वैल्यूएबल स्ट्रैटेजी आप अपने हाथ से गवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हम सबके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइज, डबल बॉलिंजर बैंड की स्ट्रैटेजी के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स मैंडेटरी हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज रखनी है या फिर चेंज करनी है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो नेसेसरी स्टेप है वो है बॉलिंजर बैंड। यहाँ पे हमें हमारे चार्ट पे दो बॉलिंजर बैंड रिक्वायर्ड है। बॉलिंजर बैंड का स्टैंडर्ड डेविएशन डेफिनेटली डिफरेंट होने वाला है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और हमें जरूरत है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की, ठीक है, ये भी कस्टमाइज रहेगा, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की हमें जरूरत पड़ेगी, ये भी कस्टमाइज्ड है। सो गाइस, इन इंडिकेटर को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉलिंजर बैंड की जो स्ट्रेटजी है, मैंने इसे कट कर दिया है, एंड अब मैं वापस जाता हूं हमारे इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में, और यहां पर मुझे सर्च करना है बॉलिंजर बैंड, अप्लाई कर देना है, एंड देन सेकंड टाइम मुझे फिर से इस पर क्लिक करना है और दो बार में बॉलिंजर बैंड की जो स्ट्रेटजी है उसको अप्लाई कर सकता हूं। अब यहां पे क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को मुझे 3 कर देना है, ठीक है, मतलब यहां पे हमारा एक स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ही रहेगा और एक 3 रहेगा। इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जैसा कि आपको पसंद है। एंड जो दूसरा बॉलिंजर बैंड है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2 ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएशन है, मतलब चेंज करना है, याद रखना अच्छे से। सो गाइज, उसके बाद आता है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। मैं इसे कट कर देता हूं और दोबारा से आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे आता है स्टोकेस्टिक, इस पे मैंने क्लिक किया, तो यहां पे मुझे क्या चेंजेस करने हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे देखेंगे आप, नीचे 14 की वैल्यू दिख रही है, इसको आपको 3 कर देना है, 3, ओके। तो यहाँ पे आपको जो 14 का दिख रहा है परसेंटेज के, इसको आपको 3 कर देना है, एंड देन जो कलर है वो भी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है RSI का। तो RSI को भी आपको चेंज करना है, वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर के सेक्शन में, सर्च करना है RSI, जैसे आपको मिलता है क्लिक करना है, देन RSI बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जो बाय डिफॉल्ट जो RSI आपको मिलेगा वो मिलेगा 14, इसको भी आपको 3 कर देना है, राइट। तो इसको आपको 3 कर देना है चेंज करके, मैं आपको बताता हूँ कैसे, ओके। तो इसको भी आपने 3 कर दिया, कलर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, फिलहाल मैंने येलो किया हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम बाय और सेल की कॉन्फर्मेशन यहाँ से कैसे ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको जो ट्रेड लेनी है वो 5 मिनट की लेनी है, या फिर मैं बोलूँ कि 5 कैंडल्स की लेनी है। सपोज़ कीजिए मैंने 25 मिनट का जो टाइम है वो सेलेक्ट किया हुआ है और मेरा जो ग्राफ है वो 5 मिनट पर सेट है। तो अगर मुझे 5 नेक्स्ट कैंडल के लिए ट्रेड लेनी है तो मुझे 25 मिनट के लिए ट्रेड लेनी पड़ेगी पर्टिकुलर ग्राफ पे। थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि अगर आप जो टाइम फ्रेम है कैंडलस्टिक्स का वो 1 मिनट कर देते हैं तो आपको 25 मिनट की जगह 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। मतलब जितनी कैंडल्स हैं नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए आपको ट्रेड लेनी है, चाहे आप ग्राफ का टाइम पीरियड 1 सेकंड रखो, मतलब डजेंट मैटर, आप 15 सेकंड भी रख सकते हो, लेकिन आपको जो ट्रेड लेनी है वो नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए लेनी है, और मिनिमम मैं सजेस्ट करूंगा 1 मिनट आप रखो ही रखो, उससे पहले अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते आपको, ठीक है। अब आपको यहाँ से कॉन्फर्मेशन कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पिछले कुछ कॉन्फर्मेशन होंगे उसको देख के मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से सेल और बाय का कॉन्फर्मेशन कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप यहाँ से सेल का कॉन्फर्मेशन कैसे ले सकते हो, मतलब अगर आपको पुट की डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है तो किस तरीके से आपको कॉन्फर्मेशन मिलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे आप, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको ग्रीन कलर की कैंडल्स दिख रही है। ग्रीन कलर की कैंडल जब अपर जो लेवल है हमारा बॉलिंजर बैंड का, इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, एंड देन सेकेंड कैंडल हमारे पास मिलती है रेड कलर की, एंड देन थर्ड कैंडल हमें मिलती है
जो कि क्लोज होती है वो ग्रीन हो रेड हो, बट अगर ज़्यादा कॉन्फर्मेशन चाहिए, अगर पुट की डायरेक्शन में लेना है तो रेड कलर की कैंडल रहे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, मतलब ज़्यादा कॉन्फर्मेशन के चांसेस हैं। तो यहाँ पे ये जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग रेड में होनी चाहिए, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। इस डायरेक्शन में आपको नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए ट्रेड लेना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया, मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग का मतलब इस कैंडल की ओपनिंग पे, यहाँ पे जब आपने ट्रेड लिया 5 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 डेफिनेटली आप विन करोगे। लेकिन इसके लिए हमें जो कन्फर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पे मैंने आपको बॉलिंजर बैंड की बता दिया कि बॉलिंजर बैंड से आपको कैसे कन्फर्मेशन मिलेगी। अब हम आते हैं स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर के साथ। तो हम पर्टिकुलर इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे हमें नीचे चलना है और नीचे जाके हमें ये चेक करना है कि ये ओवर बॉट की कंडीशन पे होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, देखेंगे आप ये दो जो ट्रेंड लाइन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर ये ऊपर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन को, डाउनवर्ड ट्रेंड को शो करना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे RSI को, ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड को शो करना चाहिए। और 70 का जो कंडीशन है, देखेंगे यहाँ पे इस कंडीशन को क्रॉस करना चाहिए। ये जो कॉन्फर्मेशन है इससे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल्स ले सकते हो। अब मैं आता हूँ अपवर्ड डायरेक्शन के सिग्नल के लिए, यानी कि कॉल के लिए। कॉल के सिग्नल आपको कैसे मिलेंगे, तो मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ और देखता हूँ कॉल के कॉन्फर्मेशन के लिए हमें कोई यहाँ पे सिग्नल मिला है क्या, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन कॉन्फर्मेशन बहुत अच्छा है। सो गाइज, अप्रॉक्सीमेटली मैंने 100 ट्रेड्स लिया है इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके एंड मेरा रिजल्ट रहा है 76। तो आपको वेट ज़रूर करना पड़ेगा इस स्ट्रैटेजी के लिए, लेकिन जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो वो देख के आप डेफिनेटली खुश होने वाले हैं। एंड रिजल्ट मिलने के बाद लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर देना यार। ऑफ कोर्स शेयर तो ज़रूर कर देना, लाइक एंड कमेंट आप करो या ना करो। ओके सो यहाँ पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, देखिए यहाँ पे क्रॉस किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक बार फिर से कैंडल बना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन एक छोटा सा कैंडल फिनिश होता है, लेकिन उसने हमारी जो ये येलो कलर की ट्रेंड लाइन है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस नहीं किया है। तो हम वेट करेंगे, देन हमें फिर से एक रेड कलर का कैंडल मिलता है, देन फिर से हमें एक ग्रीन कलर का कैंडल मिलता है जो क्रॉस करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये जो पिछला रेड कलर का कैंडल है इसने हमारे लोअर साइड को, यानी लोअर बॉलिंजर बैंड की जो लाइन है इसको क्रॉस नहीं किया है। इसका मतलब ये एक कॉन्फर्मेशन नहीं है। हम जाएंगे और पीछे और देखेंगे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सिग्नल जहां पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए थी या ले सकते थे। फिलहाल हम जो है यूरो यूएसडी के करेंसी पेयर पे हैं, लेकिन जब आप अपने लाइव चार्ट में करेंसी पेयर को स्विच करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी कॉन्फर्मेशन जरूर मिलेगी। सिंगल करेंसी पेयर पे आपको कॉन्फर्मेशन कम मिलती है। देखिए यहां पे हमें पुट का एक सिग्नल मिला था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला था पुट के लिए, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे इस कैंडल की ओपनिंग पे तो यहां पे ये दोनों ट्रेंड लाइन हमारी 80 की लेवल से ऊपर है। तो इसका मतलब यहां पे जो सिग्नल था वो स्ट्रॉन्ग था। और अगर आप यहां पे भी देखेंगे इसके पर्टिकुलर नीचे जाके, तो यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी, तो ये एकदम फॉल हुआ है नीचे की तरफ, तो ये एक अच्छा सिग्नल हो सकता था। अब हम चलते हैं कोई ऐसे सिग्नल की तरफ जो हमें बाय कॉन्फर्मेशन दे, जैसा कि आपको पता है। ओके यहां पे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप देखते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो यहाँ पे रेड कलर की एक कैंडल ने नीचे की तरफ इसको क्रॉस किया है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ओके तो यहाँ पे रेड कलर की कैंडल ने हमारी जो नीचे की लाइन है उसको टच किया, इसका मतलब हमारे पास पहला कॉन्फर्मेशन मिला। देन हमारे पास दूसरी कैंडल मिली ग्रीन कलर की, जो हमारा है सेकंड कॉन्फर्मेशन। ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब आपको नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे ट्रेड लेना है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग ये रही। अब हम जाएंगे नीचे हमारे स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो सिचुएशन है पर्टिकुलरली मेट नहीं करता है पूरी तरीके से, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। हालांकि अगर ये नीचे की तरफ होता है 20 के लेवल से तो हमारे पास ज़्यादा कॉन्फर्मेशन होता है, बट फिलहाल के लिए इतना कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर हम जाते हैं हमारे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की तरफ तो वो भी हमें अच्छा कॉन्फर्मेशन दे रहा है अपवर्ड ट्रेंड के लिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो इंडेक्स है वो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि 30 के लेवल के नीचे हो और ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है। तो यहां पे अगर हम फिलहाल के लिए ट्रेड लेते अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मिनट के लिए तो डेफिनेटली हम विन करने वाले थे नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल्स, लाइक नेक्स्ट 5 कैंडल्स के लिए। तो यहाँ पे 2 कॉन्फर्मेशन है बाय और सेल की, जो कि आप अच्छी तरीके से ले सकते हो, बट जो पेशेंस हैं वो आपको यहाँ पे रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको सिग्नल ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको करेंसी पेयर को स्विच करते रहना पड़ेगा, जैसा कि आपने देखा जो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया वीडियो, उसके अंदर मैंने बहुत बार करेंसी पेयर को स्विच करके ट्राई किया कि और अच्छी कॉन्फर्मेशन किसी और करेंसी पेयर पे मिले। तो यही आपको करते रहना पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा से आपको कहता हूँ एक दिन में चाहे 1 सिग्नल लो, 2 सिग्नल लो, लेकिन अच्छी कॉन्फर्मेशन के साथ लेना चाहिए।
तो यार उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप मेरे सोशल मीडिया पे मुझ तक रीच कर सकते हो, आसानी से रीचेबल हूँ यार, कभी भी आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, आपके फ़ायदेमंद रहती है, आपको प्रॉफिट करा के देती है, तो लाइक कॉमेंट एंड शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर बिल्कुल नए हो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ। ओके, और एक्साइटिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।